बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लास्ट टाइम हमने बेस वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, उससे आगे आप देखोगे कुछ टेस्ट योर सेल्फ है और कुछ ब्लॉग्स में इंफॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ोगे, इतनी मुश्किल नहीं है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ पीएच स्केल, और ये टॉपिक लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और दो तीन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। पीएच स्केल, बेटे सबसे पहले तो इस टॉपिक का नाम हम देखते हैं कि ये लिखा किस तरह से गया है। तो इसमें आप लोग एक ये चीज़ देखो, पी स्मॉल है, एच हमारे पास कैपिटल है, तो पी के पावर में हमारे पास एच आएगा और कैपिटल फॉर्म में आएगा। इन शॉर्ट बेटे ये हमारे पास एक ऐसा स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। इस स्केल की बेस हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिस तरह के पहली लाइन ब्लू कलर में वो मैंने लिखी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज द बेस फॉर पीएच स्केल। तो हमारे पास इस जो स्केल है उसकी बेस हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब इस स्केल का इस्तेमाल क्या है, हम लोग ये क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें एसिड और बेस की पीएच के ज़रिए हमें मालूम हो जाता है। एक स्केल है 0 to 14, हम वो निकालेंगे और बताएंगे क्या वैल्यू होगी, तो एक सॉल्यूशन एसिडिक होगा या के बेसिक होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटे वाटर से, क्योंकि देखो इस पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। तो वाटर में इसकी कंसंट्रेशन है। वाटर के हवाले से अगर बेटे हम डिटेल देखें तो वाटर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि ये हमारे पास ज़्यादा आयनाइज नहीं हो सकता है, इसमें कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आयनाइज हो पाए। जिस तरह के आप साल्ट देखो या बाकी देखो वो बड़ा अच्छा आयनाइज हो सकते हैं, वाटर में ये कैपेसिटी नहीं है कि इसमें ज़्यादा आयन्स बन सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास आयनाइज वेरी स्लाइटली इंटू आयन्स, हमारे पास बहुत थोड़ा सा ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाए, और ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर आयन्स में कन्वर्ट हो सकता है उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, ऑटो आयनाइजेशन या के सेल्फ आयनाइजेशन का नाम दिया जाता है। जिस तरह की देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है, H2O रिवर्सिबल रिएक्शन, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कम प्रोसीड करेगा, हाँ लेकिन हो सकता है ये रिएक्शन। इसी इक्वेशन को बेटे लेते हुए जिसमें ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर शो की गई है, इसी का अब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटे जिसमें पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ चुके हों, उसमें KC की यूनिट्स आपने पढ़े होंगे, मुख्तलिफ रिएक्शन के डराइव करने सीखे होंगे, ये उसी तरह से लिखना है। तो KC की वैल्यू किस तरह से लिखी जाती थी, हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट्स आते थे और उसे हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे, रिएक्टेंट्स, तो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, और कंसंट्रेशन शो करते थे, इस वजह से उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव, यहाँ पर OH नेगेटिव और साथ में क्या आएगा, H2O। इसी तरह से ये रिएक्शन KC वैल्यू इस रिएक्शन के लिए लिखी गई है। देन हमारे पास इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है, रीअरेंज इस तरह से किया गया है कि H2O ले गए हैं KC के साथ। अब KC को मल्टीप्लाई हो रहा है H2O के साथ इज इक्वल टू H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव। अब इसकी क्या वजह है कि H2O को ही वहाँ लेके गए हैं, इसकी वजह यह है बेटे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाटर में बहुत लिटिल टेंडेंसी है कि वो आयनाइज हो, तो बहुत ज़्यादा कम मॉलिक्यूल्स इसके आयनाइज हो पाते हैं, तो ऑलमोस्ट इसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है पॉइंट्स में, इसी वजह से इसे दूसरी साइड पर लेके गए हैं। और इसी इक्वेशन में इसे रिप्लेस कर दिया गया है KW से। KW आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। KW इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है 1 × 10⁻¹¹। ये वैल्यू यहाँ पर डेराइव नहीं कराई गई, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसकी डेरिवेशन है और थोड़ी डिटेल भी है, लेकिन आपके बुक में नहीं है, तो फिलहाल आप लोग ये वैल्यू याद कर लो कि हमारे पास। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें बेटे, यहाँ पर देखो H2O कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1, OH नेगेटिव कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1। इसका मतलब अगर हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है
तो एक एच पॉजिटिव आयन, एक ओ एच नेगेटिव आयन। तो यहाँ बेटा बेटा यही लिखा हुआ है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोजन आयन एंड वन हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम बेटे ये कह सकते हैं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और ओ एच नेगेटिव की इक्वल होगी। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की। इनकी नेचर तो यकीनन अलग होगी, लेकिन आपको पता है हम केसी की वैल्यू जब लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आती है कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पर भी बेटे कंसंट्रेशंस की ही बात हो रही है कि एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव हमारे पास इनकी कंसंट्रेशंस क्या होंगी इक्वल। तो कंसंट्रेशंस यहाँ इनकी क्या होगी इक्वल। तो अगर इनकी इक्वल कंसंट्रेशन है तो क्या इस इक्वेशन में हम जब कह सकते हैं एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, हम यहाँ एच पॉजिटिव भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस किससे कर दिया गया है, एच पॉजिटिव का स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन को डिनोट किया जा रहा है, इस वजह से सिर्फ एच पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया गया है कि उनकी कंसंट्रेशन तो हमारे पास क्या है सेम। और इसे किसके इक्वल कर दिया गया है, ये वही वैल्यू है और ये यहाँ पर लिखी हुई है। मैथ्स में बेटे आपको रूल्स पता है कि हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ दोनों साइड्स को जब एक ही फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एच पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट एज इट इज उसी तरह रहेगा। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को आप कैलकुलेटर पर या वैसे भी इसका आंसर डिराइव इजीली हो सकता है। तो एच पॉजिटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.0 क्रॉस टेंपरेचर पर -7 m एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो m है ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स के हवाले से है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक बेटे हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू डिराइव की है। बेटे अब हमारे पास मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन को हम समझते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो हमने डिराइव कर ली, तो अब इसकी क्या वजह है। आपको पता है बेटे देखो यहाँ पर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन है तो इसकी वैल्यू किस में आ रही है, -7 में, मतलब कि 0.00000 देन अगेन 70 के बाद हमारे पास है 60 देन 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो इतनी कम वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आगे नेक्स्ट एक प्रोसीजर किया गया है ताकि इस बहुत ज़्यादा माइन्यूट वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए कि ये डील हमारे पास बहुत ईजिली हो। दूसरी बात देखो बेटे, ये नेगेटिव में वैल्यू है तो नेगेटिव को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इस वजह से नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस को डिराइव किया गया है मजीद। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पी एच का हमारे पास एच तो आ गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पी हमारे पास शो कर रहा है नेगेटिव लॉगरिथम को। अब नेगेटिव लॉगरिथम क्या है बेटे, देखो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, तो क्या ये लॉग का हम माइनस नहीं ले रहे, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या रहा है स्मॉलर पी। अब लॉग क्या है, लॉग बेटे आप लोग डील कर चुके होंगे, हमारे पास मैथ्स में भी आता है, कॉमन बेस 10 के लिए आता है। तो बेसिकली बेटे पी एच हमारे पास है क्या, पी एच इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हमारे पास पी एच बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ले रहे हैं, उसको माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद माइनस लॉग उस पर अप्लाई करने के बाद उसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक पी एच निकलती है। और पी एच का क्या मतलब है बेटे, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉगरिथम को हम पी एच का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन तो बेटे उसकी हम क्वांटिटी के हवाले से बता रहे हैं। मोलर कंसंट्रेशन क्या है बेटे, मोल से रिलेटेड हमारे पास ये कंसंट्रेशन कुछ टर्म्स होती हैं। फिलहाल आप लोग इतना याद रखो कि ये मोल्स से रिलेटेड हमारे पास होते हैं, मोल्स का जो वर्ड है ये 9th में आप लोग सुन चुके होंगे। पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये तो हमने देख लिया बेटे। अब हमने इसी इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट की है जो अभी हमने निकाली थी,
1.0 क्रॉस 10 टू रेस पर -7। जब आप लोग इसे कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7। आपको पता है जब पावर में हमारे पास कोई वैल्यू आती है, लॉग में उसकी बेस में आ जाती है, और लॉग की हमारे पास ये वाली वैल्यू निकालोगे इक्वल टू 1 आती है, तो 7 माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो pH हमारे पास किस में आ रही है, 7 में। इसी तरह बेटे pOH की भी हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, pH और pOH दोनों की हमारे पास वैल्यू क्या थी, सेम। क्यों? क्योंकि कंसनट्रेशन उनकी क्या आ रही थी, सेम। तो pH pOH को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी क्या आएगा, 7। दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो उसका आंसर इज इक्वल टू 14 हमेशा आएगा। आप इसके बाद अपने बुक में एक टेबल देखोगे, एक टेबल बना होगा। अगर pH हमारे पास 1 है तो pOH हमारे पास क्या होगी, 13। सम अप करोगे 14। अगर pH 2 है तो pOH उसी लिहाज से इतनी होगी कि सम अप क्या करेंगे, हमारे पास आंसर हमेशा 14 आएगा। एक टेबल उसमें बनाओगे, उसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सम ऑफ pH एंड pOH ऑफ सॉल्यूशंस ऑलवेज इक्वल टू 14 सॉरी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे कुछ ये वाले MCQs के तौर पर भी आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब भी हमारे पास pH या pOH इज इक्वल टू 7 होगा तो हमेशा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। जब भी pH लेस देन 7 होगी तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। और जब भी pH मोर देन 7 होगी तो वो pH क्या होगी, बेसिक। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटे दे देती हूँ। हमारे पास pH मेजर करने के लिए कुछ स्किल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं। एक पेपर्स होते हैं, वो 1 पर एक और कलर शो करेंगे, 2 पर कोई और कलर शो करेंगे, 3 पर कोई और कलर शो करेंगे, 4 पर कोई और कलर शो करेंगे। तो वो जो कलर शो करते हैं हमारे पास, उसके ज़रिए हमें मालूम हो जाता है pH। तो ये pH हमारे पास एसिडिक और बेसिस के लिए बहुत मदद देती है। अब जितने भी साल्ट्स हैं उनकी pH हमेशा 7 होगी। जितने भी एसिड्स हैं जिस तरह H2SO4, HNO3, HCl, उनकी pH हमेशा 7 से कम होगी। और जितने भी बेसिक होंगे हमारे पास, बेसिस होंगे जिस तरह NaOH, KOH, उनकी pH हमेशा 7 से ज़्यादा होगी। टेबल बेटे आप लोगों के बुक में बना होगा, मैंने सारी वैल्यूज नहीं लिखी हैं, सिर्फ कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। इसमें देखो बेटे, अब यहाँ पर शो किया गया है जब भी pH हमारे पास 7 होगी वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। इसके बाद अगर pH हम इस साइड पर देखते हैं कि अगर हमारे पास pH के हवाले से हम देखते हैं pH कम होती है, कि हमारे पास 7 से कम होती है, तो बेटे यहाँ पर क्या लिखे ना मैंने, pH लेस देन 7 इज एसिडिक, वो एसिडिक ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर 7 से थोड़ी कम होगी जिस तरह के 6, 5, 4, तो वो स्लाइटली एसिडिक होगा। लेकिन जब 0, 1, 2 पर जाएगा तो वो हाईली एसिडिक होगी। इसका मतलब कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे उनकी पीएच कम होगी। जिनकी पीएच 0, 1, 2, 3 होगी वो हमारे पास हाईली एसिडिक होंगे, उनकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। जबकि हम वो एसिड देखें 5, 6 एसिड जिनकी ये पीएच होगी तो उनकी हमारे पास एसिडिटी थोड़ी कम होगी। इसी तरह हम अगर दूसरी साइड पर देखें कि हमारे पास पीएच अगर होगी ज़्यादा, जैसे कि 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, तो वो क्या कहलाएंगे, स्लाइटली बेसिक। जबकि अगर पीएच हमारे पास ज़्यादा होगी जैसे 11, 12, 13, 14, तो वो हमारे पास हाईली बेसिक कहलाएंगे। तो सम अप करते हुए बेटे, पीएच की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा कम होगी हाईली एसिड, जब बहुत ज़्यादा होगी तो हाईली बेसिक, जब 7 होगी तो न्यूट्रल, और 7 के इर्द गिर्द जितनी 7 के नियरेस्ट जो वैल्यूज होंगी अगर कम है तो एसिडिक, स्लाइटली अगर ज़्यादा है तो स्लाइटली बेसिक। ये जो बेटे अभी हमने ये स्केल्स के हवाले से कुछ पढ़ी है, इसी को देखते हुए फर्दर कुछ MCQs भी आ जाते हैं। जिस तरह कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है pH 1 का और दूसरा सोल्यूशन है pH 2 का, तो pH 1 का जो सोल्यूशन है वो 10 टाइम्स हायर इन कंसनट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन के देन pH 2 के। तो इसका मतलब जितनी कम pH होगी, मैंने पहले बताया, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। कितने टाइम्स ज़्यादा होगी तो 10 टाइम्स। अगर pH 2 की हम बात करें तो उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा होगी देन किसके, pH 3 के। तो इसके हम कंक्लूजन्स अगर देखते हैं तो अगर लोअर हमारे पास pH, जितनी लोअर होगी उसका मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, और जितनी हायर pH होगी उसका मतलब स्ट्रॉन्गर बेस। यहाँ भी तो बच्चे यही शो किया हुआ है, हायर pH हमारे पास है तो हाईली बेसिक, लोअर pH है तो हमारे पास हाईली एसिडिक। तो ये चीज़ याद रखनी है, pH अगर कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो वो ज़्यादा एसिडिक है, जबकि pH अगर बहुत ज़्यादा है तो वो हाईली बेसिक है।
इसके बाद बेटे कुछ आपके बुक में कंक्लूजन्स होंगे, वो कंक्लूजन्स कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इसी तरह से रिलेटेड है। इसके बाद यूजेस ऑफ पीएच हैं, ये यूजेस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें हमारे पास पीएच का थोड़ा मैं बता भी देती हूँ, पीएच किस लिए यूज़ होती है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। इसके बाद मेडिसिन में यूज़ होती है, माइक्रोबियल जो माइक्रोबायोलॉजिकल हमारे पास कल्चर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हमें चाहिए कि कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, कोई बेसिक मीडियम होता है, तो वो हमारा आसानी से बनाया जा सकता है। ये पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगेन बेटे इस चैप्टर के स्टार्ट से मैं कह रही हूँ, रिटन प्रैक्टिस भी आप लोगों ने कर